हेलो स्टूडेंट, वीडियो कट हो गई थी। देखिए स्टूडेंट, ये आती है मतलब पास्कल टेबल से किसकी वैल्यू कॉस 4 थीटा की एक्सपेंशन, मतलब जब हम मतलब फोर्थ रूट निकालेंगे तो उसका पास्कल टेबल से आपके पास ये वैल्यू आएंगी डिग्री 4 की। 4 के लिए ये पास्कल रूल से कोफिशेंट आते हैं, बाइनोमियल कोफिशेंट जिन्हें कहते हैं। मैंने पास्कल टेबल में आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि किस तरीके से हम बाइनोमियल कोफिशेंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये 4th के लिए था, जो मैंने पीछे वाली वीडियो में समझाया ना अच्छे तरीके से आपको कि क्या कैसे लिखना है कैसे नहीं। वो मैं फ़ोटो भेज दूँगा आपको कि किस तरीके से इंग्लिश में जो कुछ लिखना है ना बीच में टेबल से पहले, तो वो आपको मैं भेज दूँगा, ठीक है, वो आप वहाँ से देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें कॉस 4, इधर पावर 4 है तो हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो हाईएस्ट डिग्री जो होगी उसी का हम पास्कल टेबल से उसी की बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर उसको आगे एवेलुएट करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे मैंने 4 हाईएस्ट डिग्री 4 थी तो उसके पास्कल टेबल से बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लिए 14641, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अब पावर 3 आ गए तो उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब x माइनस 1 अपॉन x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस ये जो हमने मैंने लिखे ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री। तो एक मिनट, तो ये जो बने 14641 ये फ्रॉम पास्कल टेबल से मैंने हाईएस्ट डिग्री के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखे। अब मैं क्या इसका करने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, 1 माइनस 1 मैंने समझाया आधा, शायद पीछे वाली वीडियो में ये चीज़ समझा चुका हूँ मैं, तो आप देख लें दोबारा। तरीका ये है, अगर x प्लस 1 अपॉन x को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किसके साथ, x माइनस 1 अपॉन x के साथ, तो तब इधर भी 1 होगा इधर भी 1 होगा, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन में हम किसको कर रहे हैं, x माइनस 1 अपॉन x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x माइनस 1 अपॉन x की बात करेंगे तो तब इधर 1 होगा इधर माइनस 1 होगा, ठीक है, मतलब इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इधर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये x माइनस 1 अपॉन x में कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो इसलिए 1 और माइनस 1 है। अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 1, 1 को 4 के साथ तो 4, 1 को 6 के साथ 6, 1 को 4 के साथ तो 4, 1 को 1 के साथ किया तो 1, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर माइनस 1 को 1 के साथ किया तो माइनस 1, माइनस 1 के नीचे लिख रहे हैं। फिर माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद स्टेप फर्स्ट शुरू होता है यहाँ से आगे। अब स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है, इनको माइनस कर दो, 1 का 1, 4 में से 1, 3, 6 में से 4, 2, 4 में से 6, माइनस के 2, 1 में से 4, माइनस 3 और माइनस का 1 वैसे ही, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करना है, जैसे जो स्टेप इधर अप्लाई किया वो इधर अप्लाई करना है, 1 और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। जब 1 और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। फिर इस माइनस 1 को करना है इन सबके साथ, -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -3, तो वो कितनी हो जाएगी, -1 इंटू -3 हो जाएगा +3, तो -1 इंटू 2 -2 -1 इंटू -2 2 -1 इंटू -3 -1 इंटू -3, ये भी 3, -1 इंटू -1 1, ठीक है स्टूडेंट। फिर स्टेप सेकंड तीन स्टेप चलने, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक बार मल्टीप्लाई इधर हो गया, एक बार इधर मल्टीप्लाई हो गया, आप तीसरी बार भी मल्टीप्लाई करना है, फिर जो कोफिशेंट्स आएंगे उनको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया, आप इससे आगे आपको दिख नहीं रहा वीडियो में शायद, तो मैं ये वाला स्टेप ऊपर लिखता हूँ कि अब क्या आएगा। अब फिर दोबारा इनमें इनको माइनस कर देना है, ठीक है ना, जैसे इस स्टेप में किया माइनस 1 और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, फिर उनको माइनस किया, सिमिलरली 1 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, फिर इनको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा, देखिए आपके पास आ रहा है, अब 1 में से 1 1, -3 -1, माइनस कर रहे हैं तो -3 ऑफ -3 -1, तो -1 प्लस 1 हो जाएंगे, तो 1 में से 3 निकालो तो -2 हो गए, ठीक है स्टूडेंट, तो -2, ठीक। तो इसी तरीके से आपको देखिए स्टूडेंट स्टेप सेकंड क्या करना है, ये सारी इधर माइनस नहीं है प्लस है, देखिए 1 में से 1,
वन में से वन गया तो वन, थ्री में से माइनस वन, टू माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, मतलब इनको ऐड या माइनस करते रहे, ठीक है, जो 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 साइन है उसके साथ, माइनस थ्री और टू, तो आ जाएगा आपके पास वन टू, वन टू और टू में से थ्री, सॉरी टू में से थ्री माइनस वन माइनस कर रहे हैं, ठीक है, टू में से थ्री माइनस वन, फिर माइनस टू और माइनस टू माइनस के फोर, फिर माइनस थ्री, माइनस थ्री और प्लस टू, ये प्लस का टू है तो ये माइनस का थ्री, अगर जिसके साथ निशान नहीं होगा मतलब उसको साइन नहीं होगा उनको माइनस करेंगे, जैसे फिर किया टू में से थ्री माइनस वन, ठीक है ना, टू में से थ्री माइनस वन, तो इस तरीके से आपको करना, सॉरी एक मिनट, इधर भी इधर माइनस आता है, ठीक है, इधर माइनस आएगा तो फिर साइन के मुताबिक चलना है, वन के नीचे कुछ नहीं तो वन, थ्री में से माइनस वन, थ्री माइनस वन, टू, टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, अब माइनस थ्री और ये प्लस का टू है तो माइनस थ्री प्लस टू कितने होंगे, माइनस वन, माइनस वन, ठीक है, फिर माइनस वन और थ्री, माइनस वन और थ्री कितने होते हैं, टू, मतलब टू में से एक निकालो, थ्री में से एक निकालो टू, तो और ये वन का वन, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर स्टेप सेकंड को, जैसे स्टेप फर्स्ट को वन और माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही स्टेप सेकंड को भी वन और माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वन और माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास क्या आएगा, पहले वन को इसके साथ करेंगे तो वन, वन को टू के साथ टू, वन को माइनस वन के साथ माइनस वन, माइनस फोर, माइनस वन, टू, वन, फिर माइनस वन को वन के साथ, माइनस वन को वन के साथ माइनस वन, माइनस वन इंटू टू, माइनस टू, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस माइनस प्लस फोर, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस प्लस माइनस टू और माइनस वन इंटू वन माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ गई, ठीक। अब देखिए माइनस वन को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया, माइनस वन, माइनस टू, वन, फोर, इस तरीके से, ठीक है। अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैं मल्टीप्लाई करना है जो पॉसिबल हाईएस्ट डिग्री होगी ना, उसमें जो भी एक्सप्रेस करना होगा उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसका सबसे पहले हमने पास्कल टेबल से उसका बाइनोमियल क्वेश्चन लिखना है, जैसे फोर था तो फोर के लिए बाइनोमियल पास्कल टेबल से मैंने क्वेश्चन लिखे। फिर क्या करना है आपको, अगर हम उस मतलब उस क्वेश्चन में अगर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वन और माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्टेप ऐसे फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो अगर x प्लस वन बाई एक्स आ जाता है तो फिर वन और वन को वन और वन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में x माइनस वन अपॉन एक्स को हम थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो थ्री टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार मैंने पहले स्टेप में किया, दूसरी बार इधर दूसरे स्टेप में किया, अब तीसरी बार सॉरी दूसरे स्टेप में दूसरी बार इधर किया, अब तीसरी बार मैंने दूसरे स्टेप में किया, अब जो मल्टीप्लाई अब जो रिजल्ट आएगा वो स्टेप थर्ड निकल जाएगा, वही तुम्हारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा, ठीक है ना, वही बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वेश्चन होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आप सिमिलरली जैसे पीछे किया वैसे इधर करो, वन में से वन, वन नीचे कुछ नहीं तो वन, टू माइनस वन, टू माइनस वन कितने होते हैं वन, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, वन, माइनस फोर और प्लस का वन, वन और माइनस फोर, माइनस थ्री, फोर माइनस वन, थ्री, वन, टू और एक, तीन, दोनों प्लस के तो प्लस हो जाएंगे, वन माइनस टू माइनस वन और माइनस का वन ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। आपके पास ये चीज़ आ गई, वन वन माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री माइनस वन, दीज आर द रिक्वायर्ड कोफिशेंट्स, यही हमें कोफिशेंट चाहिए थे जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिलते हैं, और करना किस तरीके से वो मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया। अब इसी तरीके से अगर अप टू सेवन डिग्री होगी तो हाईएस्ट डिग्री सेवन के लिए हम निकालेंगे, यही तरीका है, ठीक है, इसी तरीके से आप निकालेंगे। अब कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा वो डिपेंड कर रहा उसकी लवेस्ट डिग्री पर, इधर इसकी लवेस्ट डिग्री थी एक्स कॉस का सॉरी साइन की पावर फोर क्यूब थीटा, तो हाईएस्ट लवेस्ट डिग्री थ्री थी तो इसलिए मुझे थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर लवेस्ट डिग्री फाइव है तो फाइव टाइम, फिर आगे भी मैं जाऊँगा स्टेप इसी तरीके से फॉलो करूँगा। फिर ये जो हमारे पास आया थर्ड प्रॉपर्टी से जो हमारा रिक्वायर्ड कोफिशेंट आया, अगर मुझे फाइव टाइम जाना होता तो मैं फिर इसको अगेन वन और माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करता, इसको वन और माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करता,
जो आता फिर उन पहले वन को करता फिर माइनस वन को करता, जो आता फिर उनको ऐड कर लेता, मतलब ऐड ही करना ना एक किस्म से, ये इसको इसको ऐड किया इसको, उन सारों को ऐड करते रहना, ठीक है, अप टू फाइव स्टेप तक। तो इधर तीन तीन बार मल्टीप्लाई करना था, तीन स्टेप तक ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तुम्हारे रिक्वायर्ड कोफिशेंट्स होंगे, ठीक है, आप लिख सकते हो दीज आर रिक्वायर्ड कोफिशेंट्स, दीज आर रिक्वायर्ड कोफिशेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास आ गया ये चीज़, एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट, ये तुम्हारे रिक्वायर्ड कोफिशेंट्स निकल गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए जब ये कोफिशेंट्स आ गए, अब हेंस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पावर तीन इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखिए फोर और थ्री कितने हैं होते हैं सेवन, तो इट मीन्स जो भी पावर शुरू होगी वो सेवन से शुरू होगी। अब इधर पहला क्या है वन, इट मीन्स एक्स, एक्स की पावर सेवन, ठीक है, प्लस फिर वन एक्स की पावर सेवन, दो कम होती जाएगी, ठीक है, एक्स की पावर फाइव, फिर माइनस थ्री एक्स की पावर दो कम हुई तो थ्री, थ्री एक्स की पावर थ्री, फिर माइनस थ्री, तो माइनस थ्री दो कम हुई तो थ्री एक्स, माइनस थ्री एक्स, फिर प्लस थ्री तो प्लस थ्री। अब एक्स के बाद फिर कोफिशेंट में फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, जो इसका जो इसका मतलब एक्स के साथ जो वेरिएबल है उसको डिवाइड में ले जाते हैं, थ्री अपॉन एक्स, तो प्लस थ्री के बाद फिर थ्री, तो प्लस थ्री अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, फिर माइनस है तो माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, ठीक स्टूडेंट, फिर माइनस है माइनस वन अपॉन एक्स की पावर सेवन, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गई। सिमिलरली वैसे ही करना है जैसे पास्कल टेबल में हम जो लास्ट वाले कोफिशेंट आते थे उनको बाइनोमियल थ्योरम से इस तरीके से लिख लेते थे, ठीक है। तो इसको भी इस ऐसे वाले क्वेश्चन को भी करना इस तरीके से है, एवेलुएट टेबल, जब एवेलुएट टेबल बनेगा आपके पास जो लास्ट वाले कोफिशेंट होंगे उन कोफिशेंट को फिर इस तरीके से लिख लेना, जो पावर होंगी उनको प्लस करना है, देखना है कितना वो हाईएस्ट पावर, प्लस प्लस दिस जैसे पीछे किया बाइनोमियल थ्योरम से, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। मतलब पावर दो दो कम हुई, पहले सात फिर दो फिर कम हुई फिर दो कम हुई, फिर जहाँ पर पावर वन हो जाती है उसके बाद फिर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना शुरू होते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। तो अब देखिए ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब जो जो लाइक पावर है उनको इकट्ठे कर लो, एक्स की पावर सेवन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर सेवन, ठीक है, इनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है, फिर प्लस एक्स की पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव, ठीक है, माइनस थ्री इंटू एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स क्यूब ये इकट्ठा हो गया, ठीक है, माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये इकट्ठा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे जो लाइक पावर थी उनको इकट्ठा कर दिया, ठीक। अब देखिए दिस सप्लाइज ये चीज़ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स किसके बराबर आया था इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो है वो टू आयो टू कॉस थीटा की पावर फोर के बराबर है, टू कॉस थीटा की पावर फोर। अब टू कॉस थीटा की पावर फोर इंटू देखिए अगर उन दोनों को हम कर रहे थे, मतलब एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को मैंने कैसे लिखा था आपको क्वेश्चन में, मैंने लिखा था टू कॉस थीटा की पावर फोर, टू कॉस थीटा की पावर फोर इंटू टू आयोटा साइन थीटा की पावर थ्री, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिखा था। अब देखिए अब इधर ये चीज आ गई, टू कॉस थीटा की पावर फोर टू आयोटा साइन थीटा की पावर थ्री इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट एक मिनट, ये शायद दिख नहीं रहा आपको, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ गई, ठीक। अब देखिए टू की पावर फोर कितना होता है सिक्सटीन, और टू की पावर थ्री कितना होता है एट, तो सिक्सटीन एट आर वन ट्वेंटी एट, तो मैं इधर लिख लूँगा दिस सप्लाइज वन ट्वेंटी एट, और साथ में वन ट्वेंटी एट आयोटा की पावर जब होगी फोर थ्री या ट्वेल्व,
तो इवन में होगी, तो इवन में पावर प्लस हो जाती है तो आ जाएगा आयोटा, सॉरी हाँ माइनस आयोटा आएगा, तो माइनस आयोटा आएगा तो क्योंकि 4 4 और 3 7 है, ठीक है ना, एक बार आयोटा की पावर 3 है, एक बार आयोटा की पावर 4 है, तो आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, तो आयोटा की पावर 4 1, माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो इधर लिख लिया मैंने -128 आयोटा कॉस 4 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट इसको खोलूंगा, तो मतलब एक्स प्लस वन अपान एक्स की जगह मुझे पता है ये एक्सपेंशन कॉस के लिए है, ये साइन के लिए, तो मैंने इसलिए इधर मुझे पता है ये कॉस 4 थीटा आएगा, इधर साइन क्यूब थीटा, वो पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इक्वल टू देखिए इधर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर, अगर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, साइन आयोटा साइन एन थीटा, इसके बराबर होता है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, हाँ आयोटा साइन एन थीटा होता है। सिमिलरली एक्स की पावर 7 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 7 किसके बराबर हो जाएगी, अगर सॉरी अगर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स 2 आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो एक्स की पावर 7 माइनस एक्स वन अपॉन एक्स की पावर 7 किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 आयोटा साइन 7 थीटा, क्योंकि इधर मैं एन की बात कर रहा था, मतलब एक्स की पावर 1 की बात कर रहा था, ठीक है, इधर एक्स की पावर 1 है तो मैंने तभी मैंने 1 ही लिखा, इधर पावर 1 ही लिखी, लेकिन इधर पावर 7 है, बीच में माइनस है, आपको पहचानना है ये साइन वाला या कॉस वाला, अगर बीच में माइनस है तो वो साइन वाला होगा, लेकिन पावर जो होगी वो थीटा के साथ लिख लेंगे, तो आएगा 2 आयोटा साइन 7 थीटा, ठीक है स्टूडेंट। प्लस इधर क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन 5 थीटा, सॉरी 5 थीटा, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा है। अब फिर माइनस 3 का 3 इंटू इसकी जगह पर आ जाएगा 2 साइन 3 थीटा, फिर -3 इंटू उसकी जगह आ जाएगा 2 साइन 3 थीटा, ठीक है, सॉरी 3 थीटा नहीं, इधर पावर 1 है तो साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब दिस सम्प्लाइज -128i इंटू कॉस 4 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है उसमें दिख रहा है ना, थोड़ा ये खिचड़ी बन रही, लेकिन समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए 2 आयोटा साइन 7 थीटा वैसे ही रहेगा, 2 आयोटा साइन 7 थीटा, या एक काम करो आप, 2 इधर भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, सबके साथ 2 है, तो मैं क्यों ना 2 को कॉमन ले लूँ, 2 को जब कॉमन ले हुआ तो अंदर क्या बचेगा, आयोटा साइन 7 थीटा प्लस, ये दिख रहा है आपको, हाँ आयोटा साइन 7 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा माइनस 3 साइन 3 थीटा, सिमिलरली -3 साइन 3 थीटा, ठीक है थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब 128 को मैं डिवाइड में ले जाता हूँ इधर, ठीक है ना, जब 128 को इधर डिवाइड में ले जाऊँगा तो 2 एकम 2 और कितने दूने 128 होता है भाई 64 2 है, तो इधर आ जाएगा आपके पास, ये माइनस भी आगे चली जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा कॉस 4 थीटा साइन क्यूब थीटा, जो हमने निकालना था इधर लेफ्ट साइड है वही बच जाएगा जो हमें एक्सप्रेस करना था, और ये इसको आगे लेके तो आ जाएगा कॉस 4 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इक्वल टू -1 अपॉन 64, और आगे ब्रैकेट में जो ये लिखा हमने वही लिख देना, दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। बस इसी तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से एवेलुएट करने हैं आपको, सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसको फ्रॉम पास्कल टेबल से उसका क्वेश्चन लिखने हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, फिर आगे जो होगी वो पावर कितनी है उतने टाइम उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना, आप किस तरीके से करना वो मैंने आपको समझाया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से एवेलुएट करना है। आई होप आप सारे स्टूडेंट को समझ आ गए, जिस चीज़ को जो समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन एज इट इज़, मतलब 11 के आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे यही मेथड है, इसी तरीके से करना है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन शायद होगा जो पिछले मेथड से होगा, तो बाकी मैक्सिमम ऐसा ही मेथड लगाना है, ठीक। आई होप आप वो एक्सरसाइज खुद करोगे, कल हम नेक्स्ट हम दूसरी एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है, तो ओके थैंक यू।